राजा और शरद की कहानी ध्यान से सुन लो, आपका दुश्मन मित्र बन जाएगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जो आपको सिखाएगी कि बड़े से बड़े शत्रु को कैसे जीता जा सकता है, हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारा शत्रु आसानी से परास्त हो जाए और उसे आसानी से जीता जा सके। क्योंकि मित्रों कहते हैं, शत्रु कभी किसी का सगा नहीं होता है, वह चाहे तो कभी भी वार कर सकता है और हमें हानि पहुंचा सकता है। क्योंकि कहते हैं, शत्रुता कभी पुरानी नहीं होती, वह तो दुश्मन की नजर में हमेशा नई ही बनी रहती है। अब वह दुश्मनी चाहे वर्तमान की हो, चाहे भूतकाल की हो, अथवा पूर्व जन्म की क्यों ना हो। और भी कहा है कि दुश्मनी चाहे इंसान इंसान की हो, चाहे पशुओं की हो, चाहे पक्षियों की हो, अथवा किसी और योनि की हो, बदला लेने के लिए हर कोई चेष्टा रखता है। कहते हैं, जो प्राणी अपना बदला वर्तमान में नहीं ले पाता तो वह भविष्य में लेता है, और यदि अपना बदला भविष्य में भी नहीं ले पाता तो वह अगले जन्म में लेता है। क्योंकि शत्रु अपनी शत्रुता अगले जन्म में भी नहीं भूलता है और बदला लेने के लिए पूरी उम्मीद रखता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको बताएगी और सिखाएगी कि शत्रु चाहे इस जन्म का हो, चाहे पूर्व जन्म का हो, उस पर कैसे जीत हासिल की जा सकती है, उसे कैसे हराया जा सकता है, उसे कैसे परास्त किया जा सकता है, वो जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन करके आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे ये भी अनुरोध है और प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, बिना विलंब करते हुए, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए सीधे बढ़ते हैं इस कहानी की। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा था, बहुत ही ज्ञानी भी था और बहुत ही विवेकशील था और बुद्धिमान भी था। मित्रों, एक दिन क्या हुआ कि उस राजा ने एक दिन स्वप्न देखा कि कोई परोपकारी साधु उससे कह रहा है कि हे बेटा, कल रात को तुझे एक विषीला सर्प काटेगा और उसके काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, सपने में उस साधु की यह बात को सुनकर के राजा हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि महाराज, वह सर्प रहता कहां है और वह सर्प हमें क्यों काटेगा, हमारी उसकी दुश्मनी क्या है। तब दोस्तों वह साधु राजा के लिए समझाता है कि वह सर्प अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। और दुश्मनी की बात जानना चाहते हो बेटा तो सुनिए, पूर्व जन्म की शत्रुता का वह बदला लेने के लिए तुझे काटेगा, तुम्हारी और उसकी पूर्व जन्म की दुश्मनी है। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वह साधु जो थे स्वप्न से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर जब सवेरा होता है, प्रातःकाल होता है, राजा सोकर के उठता है और स्वप्न की बात पर विचार करने लगता है। कहते भी हैं, धर्मात्माओं को अक्सर सच्चे ही स्वप्न हुआ करते हैं। राजा धर्मात्मा था, इसलिए अपने स्वप्न की सत्यता पर उसे विश्वास था। वह विचार करने लगा कि अब आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ऐसा कौन सा कर्म करें, ऐसा कौन सा हम उपाय करें जिससे हमारी रक्षा हो सके, जिससे हमारे प्राण बच सके, क्योंकि अगर सर्प ने काट लिया तो हमारी मृत्यु तो निश्चित है। और साधु के बताने के अनुसार भाई आज रात्रि में हमको काटने के लिए अवश्य ही आएगा। इस बात पर दोस्तों वह राजा विचार करने लगा, उपाय सोचने लगा। और दोस्तों सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस धरती पर नहीं है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देने का निश्चय कर लिया और सोचा कि मैं सर्प से मधुर व्यवहार करूंगा, अच्छा व्यवहार करूंगा, उसकी सेवा करूंगा, देखें फिर हमें कैसे काटता है। मित्रों, इधर क्या होता है, संध्या होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर
अपनी सैया तक जहां राजा सोता था वहां तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया, मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सरप निकले तो कोई उसे किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने या छेड़छाड़ करने का प्रयत्न ना करे। वो जैसा आ रहा है वैसा उसे आने दें, कोई उसे परेशान नहीं करेगा, कोई उसे हानि नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों वही होता है, जब रात हो जाती है और रात के ठीक 12 बजते हैं तब वह सरप अपनी बाबी में से फुफकारता हुआ निकलता है, बड़ा क्रोध में होता है और राजा के महल की तरफ काटने के लिए चल देता है, राजा को डसने के लिए चल देता है। मित्रों वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे ही वैसे वह अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देखकर आनंदित होता गया। कोमल बिछौने पर लेटता हुआ मन भावनी सुगंध का रस्वा साधन करता हुआ स्थान स्थान पर मीठा दूध भी पीता हुआ वह आगे बढ़ता जा रहा था। मित्रों क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उसमें जागृत होने लगे और इस तरीका के भाव प्रेम भरे उसमें बढ़ने लगे। सज्जनों जैसे जैसे वह आगे चलता गया वैसे ही वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब वह प्रवेश करने लगा तो देखा कि पहरेदार और द्वारपाल शस्त्र लिए खड़े हैं, परंतु उसे जरा सी भी हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते। ये असाधारण सौजन्य सरप के मन में घर कर गया। दोस्तों यहां तक हुआ कि राजा के सद्व्यवहार नम्रता मधुरता के जादू ने उसे मंत्र मुग्ध कर लिया। वह राजा को काटने चला था परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया। सरप सोचने लगा, धन्य है राजा, मैं तो तेरे लिए काटने के लिए आ रहा था, तू हमारे पूर्व जन्म का दुश्मन है, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ता, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार है उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो फिर मैं किस प्रकार काटूं। ये प्रश्न दोस्तों उससे हल नहीं हो सका। राजा के पलक तक जाते जाते सरप का निश्चय पूर्ण रूप से बदल चुका था। सरप के आगमन की राजा प्रतीक्षा कर ही रहा था, सोच रहा था कि कितने वक्त सरप महाराज आए, लेकिन नियमित समय से कुछ जाने में विलंब हो गया। वह सरप विलंब से पहुंचा, जो समय था उससे विलंब हो गया। सरप ने जाकर के राजा से कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें काट कर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया है। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, मित्र हूं। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे करके जा रहा हूं, राजन लीजिए, इसे अपने पास रख लो। दोस्तों वह मणि को दे करके राजा के सद्व्यवहार को देख करके प्रसन्न होकर के और इतना कह करके राजा के सामने मणि को रख करके सरप उल्टे पांव अपने घर वापस चला गया। तो मित्रों ये थी कहानी राजा और सरप। उस सरप ने राजा को नहीं काटा और राजा बच गया। तो मित्रों कहते हैं भल मन साहत और सद्व्यवहार ऐसे प्रबल अस्त्र हैं जिनसे बुरे से बुरे स्वभाव के दुष्ट मनुष्यों को भी परास्त होना पड़ता है। यही कहानी दोस्तों हमको ये सिखाती है कि हमारा दुश्मन कितना भी क्यों ना बड़ा हो, कितना भी हमसे बड़ी दुश्मनी क्यों ना रखता हो, वो हमारे लिए क्यों ना मारने के लिए आ रहा हो, लेकिन दोस्तों हमारा सद्व्यवहार हमारा प्रेम उसे बहुत जल्दी परास्त कर देगा और वह अपने घुटने मेरे सामने टेक ही देगा और वह सोचेगा कि मैं परास्त हो गया। मैं लड़ने से झगड़ने से परास्त नहीं होता और यही विचार लाएगा कि तेरे व्यवहार से मैं परास्त हो गया, तूने हमको जीत लिया। तो दोस्तों ये कहानी हमको यही सिखाती है कि कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो और ये हथियार ये मंत्र राजा वाला आपने अपना लिया तो वे बड़े से बड़ा दुश्मन आप आसानी से परास्त कर सकते हैं और उसको जीत सकते हैं और कितना भी जाहिल आदमी क्यों ना हो उसको भी पानी पानी आप कर सकते हैं। यही कहानी हमारे लिए ये सीख देती है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये छोटी सी कहानी एक राजा और सरप की? अगर ये राजा और सरप की कहानी आपको अच्छी लगी है पसंद आई है तो आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो मित्रों अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर देना क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षा प्रद है। अब दोस्तों क्षमा चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा ओम नमः शिवाय।